हो जाए और जो पौधे की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो अटैक है ये ऐसा होता है कि आपके जो पौधे हैं उनकी जो कलियाँ हैं वो सारी ख़राब कर देता है और धीरे धीरे करके आपकी सारी जो ग्रोथ है पौधे की वो ख़त्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो हमारा सर्दियों के एक और फूल गुलदावदी के बारे में है। ये जो फूल होता है ये काफ़ी कलर्स में होता है और जो वैरायटीज होती है इसमें कई तरह की वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, छोटे फूल, बड़े फूल और कुछ मिनिएचर वैरायटी के भी आपको इसके प्लांट्स आसानी से मिल जाएंगे। एक बात इसमें और होती है कि इसके जो फूल होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, मतलब एक बार इसका फूल खिल गया तो लगभग एक डेढ़ महीना आराम से चल जाता है। आज गुलदावदी के बारे में सारी जानकारी ए टू जेड हम देंगे कि कैसे कैसे इसको लगाना है और कैसे इसको आप ज़्यादा फूल पा सकते हैं, कैसे आप हजारों फूल एक ही पौधे से आसानी से पा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है, कैसी कंडीशंस में इसके फ्लावर ज़्यादा होते हैं, कैसी इसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से पौधे की अच्छी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आगे वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही आप नई नई वीडियोज़ का आनंद लेते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये गुलदावदी का फूल है और ये मिनीचर वैरायटी है। इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उन पे फूल हजारों की तादाद में आते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं फूल पाने के कि कैसे आप ज़्यादा फूल एक ही पौधे से पा सकते हैं। फूल पाने का जो सीक्रेट है वो है, एक तो आपको फर्टिलाइज़र और दूसरा आपको समय समय पर अपने पौधे की देखभाल करते रहना है। देखभाल कैसे होगी, जैसे अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, अगर आप अपने फूल हजारों फूल एक ही पौधे से लेना चाहते हैं तो आपको मई जून से इस पर लगना पड़ेगा और अपने पौधे को लगातार पिंच करते रहना है। पिंचिंग का मतलब होता है कि आपकी जो नई बड्स आती हैं, इस तरह से ये देखिए ये बड़ आई है, अगर आप इसको पिंच कर देंगे अपने पौधे से, रिमूव कर देंगे ऐसे, तो इसमें पौधे की जो ग्रोथ है वो ब्रांचेस पर ज़्यादा रहेगी क्योंकि फ्लावरिंग उन पर हम आने नहीं देंगे, पिंचिंग टाइम टाइम पे करते रहेंगे तो उसके जो ब्रांचेज हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ आएगी और ज़्यादा अगर ब्रांचेज आएंगी तो ज़्यादा ही बड्स आएंगी और फिर ज़्यादा ही फ्लावर्स आएंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में कई तरह के फर्टिलाइज़र आप गुलदावदी को दे सकते हैं। जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है पौधा उसके लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप पोटास भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास पोटास है। ये इजीली किसी भी नर्सरी से या किसी भी फर्टिलाइज़र की जो दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये पोटास भी आप दो दो चम्मच के आप आसपास 15 दिन के अंदर में आप 8-10 इंच का जो आपका गमला है उसमें आप दे सकते हैं। इससे भी फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। और अगर आप पोटास नहीं देना चाहते, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने गार्डन में ऑर्गेनिक सब कुछ यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप अपनाते, तो फिर आपको बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है वो आप दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र मतलब जो सूखे हुए बनाना के छिलके होते हैं, इस तरह से ये जो छिलके आप देख रहे हैं ये बनाना के छिलके हैं, इनको सुखा लिया गया है। उस सुखाने के बाद आप इनको दो तीन फॉर्म में आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। एक तो ऐसे ही इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसके बाद पौधे में डाल दीजिए। दूसरा, आप इनको पानी में भिगो करके लगभग 48 से 72 घंटे इसको भिगो दें और इसका जो लिक्विड तैयार होगा फर्टिलाइज़र वो आप दे सकते हैं, या फिर इसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके भी अपने पौधे में दो दो चम्मच के आसपास डाल सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है पौधे की ग्रोथ के लिए और फूल जो फ्लावर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि जो गुलदावदी का पौधा है उसको 8 से 10 घंटे की धूप ज़रूर लगनी चाहिए, मतलब कि
ऐसी जगह पे आप अपने पौधे को रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में अगर जो धूप होती है वो थोड़ी हल्की होती है, तो अगर एक दो घंटे की धूप मिलेगी तो ये पौधा ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जो फूल हैं वो ज़्यादा से इस पर नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी ये गुलदावरी के बारे में। और अगर आपके पौधे में कुछ काले काले से माइट्स आ जाते हैं, कीट पतंगे आ जाते हैं, तो उनका क्या उपचार करना है ये देखिए, क्योंकि मेरे पौधे में ये आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप काले काले, ये देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ये देखिए, ये छोटे छोटे से मच्छर होते हैं काले काले से, इनके उपचार के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये गुलदावरी में अक्सर आ जाते हैं, इस दूसरे पौधे में भी आए हुए हैं, जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लावर जिस पर आए हुए हैं इस पर भी आए हुए हैं, और जो मेरे कुछ पौधे हैं उन पर भी ये आ गए हैं, क्योंकि कई दिनों से मैं इनकी देखरेख नहीं कर रहा था, अचानक मुझे आज दिखाई दिए, तो इसका उपचार भी मैं करूँगा और बताऊँगा कि आपको क्या इनका उपचार करना है। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, जैसे हम फर्टिलाइज़र की भी जानकारी दे रहे थे, एक फर्टिलाइज़र और है, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं अपने गार्डन में। मैं जो गार्डनिंग करता हूँ पूरे जैविक तरीके से करता हूँ, लेकिन जो फ्लावर के प्लांट हैं उनमें मैं थोड़ा बहुत जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो दे देता हूँ। ये देखिए, ये DAP बोलते हैं इसको, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और ये भी प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। 8 से 10 दाने आप इसके भी अपने पॉट में डालेंगे 15-20 दिन के अंतराल में, तो ग्रोथ जो है वो मजबूत रहेगा पौधा आपका, मतलब ब्रांचें और जो स्टेम है जो वो उसमें मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और ये भी आपको इजीली फर्टिलाइज़र की दुकान से मिल जाएगा। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि जो ये काले काले से मच्छर से इन पर आ गए, इनका क्या करा जाए, तो इसके लिए एक तो आप अगर आपके पास समय है ज़्यादा, क्योंकि जो जैविक तरीके से अगर आप किसी चीज़ का इलाज करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ये नीम ऑयल है, ये भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के लगातार हर तीसरे दिन आप स्प्रे करेंगे तो ये काले काले से जो मच्छर हैं ये भाग जाएंगे। और अगर आपके पास समय कम है तो अब मार्केट से फर्टिलाइज़र की दुकान से एक इंसेक्टिसाइड पाउडर मिलता है, ये छोटा सा पाउच है और ये 2 लीटर में आप इसको पूरा घोल सकते हैं, एरो है नाम इसका, और इसमें जो है थायोमैक्सिकोम है, ये आप किसी भी शॉप से आप खरीदेंगे तो 20 रुपये का ये मिलेगा, और ये 2 लीटर पानी में अगर आप डाल के एक बार स्प्रे कर देंगे तो ये जो काले काले से मच्छर हैं ये सारे भाग जाएंगे। तो मैंने भी आप आज जो है ये 1 लीटर पानी में, मैंने 2 लीटर पानी में सॉरी ये घोला है, और इसको घोलने में आज मैं इसका स्प्रे करूंगा। तो ऐसे ही आप भी इससे छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। मेरे पास कुछ और प्लांटेज हैं, ये 4 प्लांट ऊपर देख रहे हैं आप, इनके ऊपर बर्ड्स आ गई है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि इनकी जो ग्रोथ है और ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैं पहले तो इनको छटाई कर रहा हूँ इनकी, आज इनको प्रून कर रहा हूँ ताकि जो इनमें नई ग्रोथ और आए और फिर इनमें जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में आए। तो सबसे पहले तो मैं इनको प्रून कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप इनको हल्के से प्रून कर सकते हैं और जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ले सकते हैं। ये भी एक तरीका है आप घना करने का आपके पौधों को, तो ये मैं कर रहा हूँ और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये सारे जो पौधे हैं ये मैं नर्सरी से लेकर आया था और उसके बाद ये ऐसे ही पॉली बैग में रखे रहे, मैं टाइम नहीं लग पाया मेरा। जब मैं लाया था इनको तो पहले भी इनके ऊपर से हल्की सी ये पिंचिंग हुई हुई थी, जब ये छोटे पौधे थे तो इनमें जो नई ब्रांचेज आई थी इनमें ग्रोथ होती रही और आखिर बर्ड्स भी इन पर आ गई और मेरा समय नहीं लग पाया। ये काम मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, आप इसको काम को थोड़ा जल्दी करें, जो बर्ड्स हैं वो आने से पहले अगर आप पिंचिंग करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से ये मेरा स्प्रेयर है बिल्कुल रेडी है, अब मैं इनको अच्छी तरह से नहलाऊंगा पेड़ों को, ताकि जो ये अपने पौधे हैं इन पे जो आया हुआ अटैक मच्छरों का ये पूरी तरह से ठीक हो जाए।
और जो पौधे की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो अटैक है ये ऐसा होता है कि आपके जो पौधे हैं उनकी जो कलियाँ हैं वो सारी ख़राब कर देता है और धीरे धीरे करके आपकी सारी जो ग्रोथ है पौधे की वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह से मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है ये। तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।